Hey guys, welcome back another new video. आज की वीडियो में आपको मैं कुछ इस तरह का कलर टोन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप भी अपने फोटो में इस कलर टोन को लेके आना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखना होगा। सारे स्टेप इस वीडियो में मैंने बताए हैं। अगर आप इस प्रीसेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। वो पासवर्ड आपके स्क्रीन में कभी भी पॉपअप हो सकता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करते हैं फिर आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, फिर आपसे प्रीसेट डाउनलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। जैसे ही आपको पासवर्ड मिल जाता है आपको जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको डाउनलोड प्रीसेट लिंक मिलेगा। आपको क्लिक करना है, पासवर्ड डालना है और ये प्रीसेट आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाके फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद हमें नीचे प्लस का आइकन दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ से हमारी फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाती है। अब यहाँ से सबसे पहले हमें अपने प्रीसेट पे क्लिक करना है, अपनी फ़ोटो पे क्लिक करना है, नीचे ऐड का बटन दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑल फोटोज़ का ऑप्शन दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले अपने प्रीसेट पे क्लिक कर देना है, तो मैं कर लेता हूँ प्रीसेट पे क्लिक। अब इस प्रीसेट की हमें कॉपी सेटिंग करनी होती है। प्रीसेट की कॉपी सेटिंग करने के लिए हमें ऊपर थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नीचे कॉपी सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऊपर टिक के आइकन पे क्लिक कर देना है, तो हमारे प्रीसेट की कॉपी सेटिंग हो जाती है। उसके बाद हमें बैक आरोप पे क्लिक कर देना है। अब हमें अपनी फ़ोटो पे क्लिक करना है, तो मैंने कुछ फोटो ले रखी है, मैं कर लेता हूँ फोटो पे क्लिक। अब इस फोटो में हमें प्रीसेट ऐड करना है। फोटो में प्रीसेट ऐड करने के लिए हमें ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, नीचे एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट सेटिंग का। जैसे ही मैं पेस्ट सेटिंग में क्लिक करूंगा तो एक क्लिक के अंदर फोटो एडिट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं फोटो कितनी ऑसम दिख रही है। उसके बाद आपको नेक्स्ट फोटो में प्रीसेट ऐड करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट फोटो में प्रीसेट ऐड करने के लिए ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है हमें, नीचे पेस्ट सेट में क्लिक करना है। जैसे मैंने पेस्ट सेट में क्लिक किया तो एक क्लिक के अंदर फोटो एडिट हो गई है और फोटो बहुत ही ऑसम दिख रही है। उसके बाद आपको नेक्स्ट फोटो में प्रीसेट ऐड करके दिखाता हूँ, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, नीचे पेज सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप भी पेज सेटिंग में क्लिक करेंगे तो आपके फोटो में भी इसी तरह का कलर टोन देखने के लिए मिल जाएगा। सभी फोटो में प्रीसेट अच्छे से काम कर रहा है, तो आप देख सकते हैं। अब इस फोटो को सेव करने के लिए हमें ऊपर शेयर के बटन पे क्लिक करना, नीचे सेव टू डिवाइस करेंगे तो फोटो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये फोटो एडिटिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको फोटो एडिटिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसी तरह की नई नई फोटो एडिटिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, साथ में जुड़कर अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।